सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में सिखाने वाले हैं जो लॉन्ग फ्रॉक की हमने कटिंग दिखाई थी आपको अम्ब्रेला की, उसकी हम आपको आज स्टिचिंग सिखाने वाले हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको नाप दिखा देता हूँ। हमने इस नाप से आपको अम्ब्रेला कमीज की कटिंग बताई थी, ठीक है। अगर आपने वो कटिंग नहीं देखी हो तो आप आई लिंक पे क्लिक करके ये कटिंग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इसे हम हटा देते हैं नाप को। और दोस्तों, इसमें हमने बोट नेक बनाना था, तो ये देखिए हमारा जो बचा कपड़ा था हमने रख लिया। इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या था हमारा। तो ये देखिए दोस्तों, कट स्लिप था, तो हमारा ये फ्रंट और बैक वाला हिस्सा है चोली का, हम इसे हटा लेते हैं अलग। और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। और साथ ही दोस्तों, नीचे की तरफ में हमारे ये जोड़ थे, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने स्टेपलर कर लिया था जिससे कि हमारे जोड़ इधर उधर ना हो, तो इसे हम अलग रख लेते हैं बिल्कुल। और दोस्तों, साथ ही देखिए बोट नेक का, हमने ये बोट नेक का निशान लगा के भी दिखाया था। तो ये देखिए 4.5 इंच ब्रॉड है और यहाँ से जो लेंथ है वो 3.5 इंच की लेंथ है इस साइज़ के अंदर। तो दोस्तों, हम पहले बोट नेक को कटिंग करेंगे आगे और पीछे बिल्कुल सेम बुकरम में, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इसकी स्टिचिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना होगा, ये जो आपका ऊपर वाला फ्रंट वाला हिस्सा है, आप इसे ऐसे लेके ये जो निशान है अपने चौक को ऐसे लेंगे और इसको उंगली को ऐसे रख के आप इस निशान पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और आप देखेंगे कि इस तरीके से निशान आपके यहाँ पे उठ चुके हैं। आप यहाँ पे निशान लगा लें तो ये आपके दूसरी तरफ भी निशान उठ चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों, आप अपना गला कटिंग करेंगे। गला कटिंग करने के लिए बुकरम लेंगे, जो आपकी ब्रॉड थी वहाँ पर 4.5, तो यहाँ 4.5 पर निशान लगा लेंगे। डीपनेस थी यहाँ पर सीधी में 3.5, तो 3.5 पर निशान लगा के एक निशान चौक से ऐसे लगा लें जिससे आपका ये सेंटर वाला हिस्सा हो जाएगा और निशान आपको पता चल जाएगा ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा है। फिर आप इसको देखिए इस तरीके से यहाँ तक निशान तक बोट नेक की शेप देंगे। और दोस्तों, बोट नेक की शेप देके आप इसे कटिंग करेंगे। अब दोस्तों, ये जो पैटर्न बचा है, इस पैटर्न से हम दूसरा वाला गला बिल्कुल सेम कटिंग कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, ये जो हमने गला कटिंग करा है, आप इसे यहाँ से एक बराबर कटिंग कर लें। तो दोस्तों, इसी तरीके से दूसरे गले को भी आप सेम कटिंग कर लें। तो दोस्तों, ये देखिए बोट नेक हमने कटिंग कर लिए दो। अब उसके बाद एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर ऐसे रखने के बाद इसे हम अपने गले को जमाएंगे जैसे हम अपने हर गले को जमाते हैं। तो दोस्तों, देखिए हमने बोट नेक को तैयार कर लिया और अपना सेंटर में कट भी लगा लिया है। इसी तरीके से आप दूसरे गले को भी सेम तैयार कर लेंगे। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से आप आगे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों गले को तैयार कर लिया है। अब इसमें से एक गला हम हटा देते हैं और अपना फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, हम इसे इस तरीके से ओपन करने से पहले सेंटर में कट लगा लेंगे और इसे इस तरीके से ओपन करेंगे। और यहाँ पे ओपन करने के बाद दोस्तों, इसको कट से कट मिला के इसमें एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि आपका सेंटर वाला गला जम जाएगा और गला इधर उधर आउट नहीं होगा। तो दोस्तों, जब ये सिलाई लग जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप अपने गले को जमाते हैं बिल्कुल सेम इसे भी यहाँ पर सिलाई लगा के इस गले को भी हम पलटेंगे। तो चलिए इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, गले बनाने के बाद हमने इसे काटा है और उसके बाद यहाँ पे कट लगाएं गोलाई में। फिर आप इसे इस तरीके से पलटेंगे। पलटने के बाद दोस्तों, इसके किनारे पे आप एक सिलाई लगा लेंगे पूरे गले पे इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये पूरे गले को बना लिया है। बिल्कुल सेम आपको बैक में भी बनाना है, लेकिन बैक में क्या करना होगा आपको, जो हमने ये सिलाई लगाई है किनारे पर, ये सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल सेम आप बैक गले को भी बना लें। तो दोस्तों देखिए, हमने बैक वाले हिस्से में इस तरीके से सेम बना लिया जैसे हमने फ्रंट में बनाया था, लेकिन हमने इस पर सिलाई नहीं लगाई। वो सिलाई हमने क्यों नहीं लगाई मैं आपको बताता हूँ। हम देखिए बैक वाले पल्ले को ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद फ्रंट पल्ले को इस तरीके से रखना है, उल्टी साइड है हमारी ऊपर वाली, ठीक है। आप निशान भी देख सकते हैं और आप इसको बुकरम को ऐसे करें और यहाँ पर आप देखिए गले को इस तरीके से रखने के बाद बिल्कुल बराबर से आप यहाँ पर रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ वाले हिस्से को देखिए, इसको अंदर की तरफ ऐसे पलट के इस पर सिलाई लगा लें।
ये आपकी एक सिलाई होगी, एक सिलाई लगा लें इस पर और, जिससे कि ये पक्की हो जाएगी। और इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे दूसरे कंधे को भी जोड़ लेंगे। तो चलिए दूसरे कंधे को भी हम जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे कंधे जोड़ के यहाँ पे ओवरलॉक भी कर लिया कंधे पे। फिर आप इसे देखिए इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद अब इसे इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद देखिए दोस्तों हम बैक वाले हिस्से में किनारे पे सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने फ्रंट गले में लगाई थी बिल्कुल सेम इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपकी चोली के जो आगे पीछे के गले तैयार हो चुके हैं। ये कट स्लिप है दोस्तों, यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे, लेकिन पट्टी लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, एक पट्टी कटिंग करेंगे आप इतनी पतली। और ये देखिए आपका यहाँ पे किनारे वाला हिस्सा है, तो हम इसे टिच बटन के लिए इसे मोड़ेंगे। तो इसे देखिए टिच बटन बनाते हैं पहले हम, और इसे सेंटर में कटिंग करने के बाद दोस्तों देखिए आप इसे इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद ये आपकी जो कंधी है यहाँ पर आप इसको इस तरीके से रखने के बाद आप इस पर हल्की हल्की सिलाई लगा लें, जिससे कि पट्टी जम जाएगी। और यहाँ पर जितनी आपको पट्टी दिखानी उतनी कटिंग कर लें। इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरी तरफ भी पट्टी लगा लें। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों यहाँ पर टिच बटन की पट्टी लगा ली। अब हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से ऐसे करेंगे और इस तरीके करने के बाद एक और पट्टी हमें कटिंग करनी है। ये और पट्टी हमारी दोस्तों, हम इसे देखिए यहाँ पर ऐसे रखने के बाद इसको यहाँ पर एक पैर के बूट के बराबर से रखने के बाद जितना आप पतला मोड़ना चाहें वो आपके ऊपर है। चाहे तो आप इस पर पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस पर लगाएंगे पट्टी। तो इसे हल्के हल्के खींच के हम इस पट्टी को लगाएंगे इस मुड्ढे में पूरे में। तो ये देखिए दोस्तों जब ये आप पट्टी लगा लेंगे फिर आपको क्या करना है, यहाँ वाला मार्जिन सब इस तरफ करके आपको ऐसे मोड़ना है। और मोड़ने के बाद दोस्तों पट्टी के ऊपर ये सिलाई लगाएंगे हम, और थोड़ी सिलाई चलाने के बाद आपको इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा मोड़ना है, और मोड़ने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों पूरी पट्टी को आप इस पर पकड़ पकड़ के थोड़ी थोड़ी जगह पर आप इस पर सिलाई लगा लें और पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको करने के बाद यहाँ पे आप कट करेंगे, और कट करने के बाद दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों इसे कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पट्टी आपने पलटी थी आप इसे देखिए अंदर की तरफ ऐसे पलट दें, या तो आप इस पर कच्चा लगा लें, अगर आपको सिलाई लगानी है तो आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं इस पर सिलाई लगाऊंगा, तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। आपको इस तरीके से रखते हुए पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। और देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ये पट्टी लगा ली, और आप देखेंगे हमने जो पट्टी खींच के लगाई थी हमारी ये वाला हिस्सा बिल्कुल ओके बैठ गया है, और यहाँ का भी बिल्कुल ओके बैठ गया। और ये देखेंगे अभी हमारी टिच भी बिल्कुल पक्की हो चुकी है। बिल्कुल सेम पट्टी आप यहाँ पे भी लगा लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे करा है बिल्कुल सेम दूसरी तरफ भी कर लेंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों हमने साइड में पट्टी लगा ली है दोनों तरफ, और नीचे वाला जो हिस्सा हमारा बिल्कुल ओके है। तो अब हमें क्या करना होगा, हम देखिए इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर लगा लेंगे सेंटर में कट, जिससे कि हम नीचे वाला जो अम्ब्रेला वाला हिस्सा है हम इसे जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये ऊपर का हो गया हमारा बिल्कुल तैयार, हम इसे हटा देते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों हम इसे उठाएंगे, और नीचे वाला हिस्सा उठाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कमर वाला हिस्सा है जैसे हमने वहाँ पर कट लगाया था आपको यहाँ पर भी इसी तरीके से कट लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर में कट लगा लिया है, और आप इसको इस तरीके से लेके जाएंगे जब, तो देखिए दोस्तों नीचे की तरफ में आपका ये इतना जोड़ है, ये आपको यहाँ पर जोड़ लगाना होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, जो हमने स्टेपलर पिन कर रखे पहले हम इसे हटा लेंगे। अब दोस्तों पिन हटाने के बाद देखिए हम इस तरफ से इसे जोड़ेंगे, तो ये हमारा जो जोड़ था वो इस तरीके से था। आप यहाँ पे स्टेपलर पिन इसलिए कर लें कि आप भूल ना जाएं कि हमारा जोड़ कैसा था। आप देखेंगे कि हमारी गोलाई इस तरफ से जा रही है, तो आप इसे इस तरीके से रखने के बाद यहाँ के जोड़ को ऐसे उठाएँ और यहाँ पर आप इसे जोड़ लगा लें। जोड़ लगाने का दोस्तों आप देखिए इसे इस तरीके से करेंगे, और ऐसे करने के बाद यहाँ पर जो भी फालतू आएगा कपड़ा इसे कटिंग कर देंगे। तो देखेंगे आप कि आपका जोड़ लगने के बाद ये आपका इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप नीचे वाला जो जोड़ है कपड़ा आप इसे ऐसे रखें, और इसे भी सेम जोड़ देंगे जैसे हमने पहले वाले जोड़ को जोड़ा था। तो देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से इसे ओवरलॉक करने के बाद हमने जोड़ को प्रेस करके एक तरफ कर दिया। आप देख पाएंगे यहाँ भी हमारा जोड़ लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आप इसे इस तरीके से लेके आएंगे, और यहाँ पर आप देखें
तो ये वाले पे निशान लगे तो ये हमारा उल्टा है, लेकिन हम जब भी निशान लगा लेते हैं ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। ठीक है, इसमें से एक पल्ले को हम निकाल लेते हैं और एक पल्ले को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों ये वाला हिस्सा हमें देखना होता है कि कौन सा निशान वाला हिस्सा है। तो देखिए हमारा ये एक तरफ निशान लगा, यानी कि हमारा ये बैक वाला हिस्सा है, तो हम इसे बैक में जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, हम इसे इस तरीके से खोल लेंगे और खोलने के बाद जो हमारा ये बैक वाला हिस्सा होगा ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है जो हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है, आप देख पाएंगे आसानी से। फिर आप इसे क्या करेंगे, पहले आप कट से कट इसको इस तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप आधा इंच की एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, जो आपने सिलाई वहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ी थी उतनी आप सिलाई लगाएंगे और इसको देखिए एक बराबर रखते हुए आप इस पर सिलाई लगा लें। तो आप देखेंगे कि इतना इतना आपका यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, ये हमने थोड़ा कम काटा था। तो इसी तरीके दोस्तों आप यहाँ से उठाने के बाद अब आप यहाँ से हाफ से स्टार्ट करें और इसको भी बिल्कुल सेम जोड़ लेंगे जैसे हमने इसे जोड़ा था, इसे भी हम सेम जोड़ेंगे। तो जैसे दोस्तों हमने ये वाला हिस्सा जोड़ लिया, बिल्कुल सेम आपको दूसरी तरफ वाला हिस्सा भी जोड़ना होगा। उसके बाद ये वाले हिस्से पे जोड़ पे हम करेंगे ओवरलॉक। ओवरलॉक करने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने इसे ओवरलॉक कर लिया है। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों आप इसे इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद आप इसे ऊपर करेंगे। ये चोली है आपकी, आप देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी यहाँ पर गला बना हुआ है, आपका चोली आपको ऊपर की तरफ मार्जिन करना है सारा और यहाँ पर आप लप्पे एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है लप्पे, इसी तरीके से आप बैक पल्ले पे भी सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद मैं बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमने बैक पल्ले पे भी सिलाई लगा ली है। अभी आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले ऊपर से इसको सबसे पहले जो हमने निशान लगाए थे आप चाहे तो इस निशान को नाप सकते हैं अपने नाप के हिसाब से। ठीक है, नापने के बाद आप क्या करेंगे इसको इस तरीके से मिलाएँ और मिलाने के बाद दोस्तों इस पर जो हमने निशान लगा रखे हैं इस पर आप सिलाई लगा लें। ये मैं आपको निशान पे लगा के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अगर मेजरमेंट के नाप लेते हो कुछ कमी पेशी होती तो आप अपने हिसाब से अपने साइज़ के हिसाब से, जैसे मान लो इतना हिस्सा आपको दबाना पड़े तो आप इतने दबाव के हिसाब से लेंगे। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रहा हूँ सिर्फ जो हमने निशान लगाया है। तो इस निशान पर हम सिलाई को पक्की करेंगे और पक्की करने का दोस्तों यहाँ पर देखिए हम ये आपका इतना इतना एक बराबर बाहर निकल रहा है जो कपड़ा, आप इसे ऐसे लेके यहाँ से सिलाई आपकी मिलके आनी चाहिए चोली की सिलाइयाँ। तो आप देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और आपका नाप यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ तक आप सिलाई लगाएं पहले। और दोस्तों सिलाई लगाते हुए आपको यहाँ पे गोलाई देनी है, तो आप देखिए इस तरीके से घुमा लें। गोलाई देने के बाद दोस्तों आप देखिए इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने का दोस्तों यहाँ पे सिलाई आपको यहाँ से लगाते हुए इस तरीके से कम करते हुए आना है, तकरीबन आधा इंच का जब मार्जिन रह जाएगा तो आप आधा इंच के मार्जिन से पूरे पल्ले को जोड़ देंगे। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने सिलाई लगा ली, उसके बाद आप देखेंगे एक बार दोबारा से तो यहाँ पे हमने जो गोलाई दी है जब ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी तो एक सिलाई हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ये आपका होगा लूज टाइट करने के लिए, जैसे सूट टाइट हो तो आप एक सिलाई जल्दी में हो तो खोल सकते हैं जिससे कि आपका ये लूज़ हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो चलिए इस पर एक पैर के हम एक्स्ट्रा सिलाई मार लेते हैं और इसको भी बिल्कुल सेम यहाँ से ला के यहाँ तक मिलाना है, उसके बाद बिल्कुल बराबर ऊपर इसके सिलाई चला लेंगे। तो चलिए दोस्तों सिलाई लगाने के बाद हम इसे पूरी करते हैं कम्प्लीट। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ जो फालतू कपड़ा था हमने कटिंग कर दिया है। अगर आप चाहें तो नीचे जो चोली वाला कपड़ा आप इसे भी बढ़ा सकते हैं, हमने कटिंग में थोड़ा कम कटिंग करा था, लेकिन आप चाहें तो अपने मार्जिन के हिसाब से इससे हिस्से को बढ़ा सकते हैं जिससे आपको आगे लूज़ और टाइट करने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों देखेंगे आप एक तरफ का कम्प्लीट हो गया, इसी तरीके से आप इसे ऐसे पकड़ के देखिए नीचे से इसे इस तरीके से पकड़ना है आपको दूसरी सिलाई लगाने के लिए। इस घेरे को ऐसे पकड़ते हुए आएंगे और पकड़ने का दोस्तों आप यहाँ पर देखिए जब किनारे आपको मिल जाएंगी तो आप इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे यहाँ से। अब जो सिलाई लगेगी वो आपकी यहाँ से लगेगी और आप इसे इस तरीके से पकड़ के इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लगाए थे दूसरी तरफ बिल्कुल आपको नीचे से यहाँ से सिलाई लगाते हुए आना है ऊपर की तरफ। अब देखिए दोस्तों जैसे जैसे हम पास में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी चोली इस तरीके से मिल के आएगी और आपका ये जो निशान है फिटिंग का ये आएगा। तो आप यहाँ पे चौक से पहले हल्की सी गोलाई कर सकते हैं इस तरीके से जिससे आपको नीचे से सिलाई मारने परेशानी ना हो और इसको इस तरीके से मिला लें। तो चलिए दोस्तों हम इसे भी बिल्कुल सेम मिला लेते हैं सिलाई से सिलाई, फिर आप इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं।
दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी सिलाई बिल्कुल ओके लगी है या नहीं। कुछ कमी पैसी होगी तो उसे ठीक करेंगे, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल ओके लग जाए फिर आप इसे क्या करेंगे, बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाएंगे जैसे हमने उसमें लगाई थी, दूसरी साइड में एक्स्ट्रा सिलाई आप लगा लें लूज टाइट के लिए। तो चलिए इसे सिलाई लगा के मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने यहाँ से इस मार्डन को कटिंग कर दिया है, तो आप देखेंगे हमारी बिल्कुल जो है फ्रॉक यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब बचेगा हमारा नीचे वाला हिस्सा, तो हम नीचे वाले हिस्से में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे इसको सीधा। दोस्तों सीधा करने के बाद इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, वो दो तीन चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है कि किसी को बड़मा पट्टी लगानी है, जैसे मान लो फ्रॉक में चलती है तीन तीन चार चार इंच की पट्टी चलती है, इस तरीके से आप कोई भी कंट्रास्ट की पट्टी लगा सकते हैं, वो आपको ये सिलाई जोड़ने से पहले लगानी होगी हाफ हाफ करके। लेकिन अगर आपको वैसे नहीं लगानी, आपको पीको करानी, तो आप पीको भी करवा सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं कराना तो इसके अंदर क्या चलता है, देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम रुमाल के साइड में बिल्कुल बराबर से पतला पतला मोड़ते हैं ना, बिल्कुल आपको इस तरीके से ऐसे रख के यहाँ पे इस पर सिलाई चलानी है इस तरीके से पूरे घेरे पे। देखिए आपको ऐसे करना है और इतना इतना मोड़ के सिलाई लगानी है बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक, जिससे पीको कराने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने लेंथ भी उसी हिसाब से कटिंग करी थी, तो देखिए आप इस तरीके से पकड़ के आप इस पर सिलाई लगाते चले पूरे घेरे पर, इस तरीके से पूरे घेरे पे आप सिलाई लगा लें। ठीक है, एक बार आप ऐसे सिलाई लगाएं फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। तो चलिए पूरे घेरे पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आप पूरे में एक बार पलट लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आप दूसरे को इस तरीके से पलटें बिल्कुल बारीक और यहाँ पर आप लगाएंगे सिलाई। अब जो सिलाई दूसरी लगाएंगे आप तो इसमें ये पक्का हो जाएगा। और आपको क्या करना है, सिलाई जब लगाएंगे तो पीछे उंगली रखेंगे इस तरीके से और इस तरीके से छोड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाने के बाद आपको पीछे उंगली रखे ऐसे और ये छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि ये फलकेगा नहीं और बेहतरीन और फिनिशिंग के साथ आपके ये घेरा मुड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम पूरे घेरे को मोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपकी कमीज़ बन चुकी है अम्ब्रेला, जो पजामी के ऊपर पहनते हैं। आप देखेंगे नीचे हमने इतना पतला पतला मोड़ा है, आप चाहे तो इस पर पीको भी करवा सकते हैं, जो तार वाली पीको आती है आप वो भी इस पर करवा सकते हैं। ये आप देखेंगे हमारे जोड़ है, हमने यहाँ पर फिनिशिंग से इस तरीके से मोड़ा है। और ये आप देखेंगे हमारे जोड़ जो कि इस तरीके से आपके आएंगे, अगर आपका अर्ज कम है तो। ठीक है, अर्ज कम होगा तो ये आपका आएगा ही आएगा और आपका इतना घेरा होगा। ये देखिए मैं आपको घेरा दिखाता हूँ, ये है आपका पूरा घेरा अम्ब्रेला फ्रॉक का। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, एक दो तकरीबन ये होगा 2 मीटर के आसपास का घेरा ये आपका, डबल में करीब 3.5-4 मीटर का घेरा बैठेगा। और ये आपकी पूरी लंबाई के हिसाब से ये देखिए बोट नेक हो गया। इस पर हम तुरपाई करा के प्रेस करा के जब आप पहनेंगे तो कट स्लिप है ये, आप चाहे तो इसमें बाजू भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कट स्लिप में आपकी ये लुक इस तरीके से आएगी पूरे गाउन की। तो ये देखिए दोस्तों ये आप पजामी में पहन सकते हैं। और लॉन्ग गाउन की वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा, जो कि बताऊँगा कि फ्लोर टच जो गाउन होते हैं अम्ब्रेला में वो किस तरीके से कटिंग करेंगे जो और ज़्यादा घेरा आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।